गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक सेक्शन पॉवर्टी एज अ चैलेंज. नाउ न्यू टॉपिक पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. ओके नाउ सिंस पॉवर्टी हैज मैनिफेस्टेड social scientists look at it through a variety of indicators. Usually the indicators used relate to the levels of income and consumption, but now poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of journal resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. अब अगर poverty की common में हम ये कहते थे, क्या बात होती थी कि भाई poverty means कि बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं है और उस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए इनकम नहीं है, तो इसे हम पॉवर्टी कहते हैं. लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ मूव होता है, नए नए फैक्टर्स, नए नए कॉजेज आए सामने, तो सोशल साइंटिस्ट की नज़र में पॉवर्टी के और भी कॉजेज हैं या पॉवर्टी अदर फैक्टर की वजह से भी फेस की जा सकती है, जैसे इलिटरेसी, जर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन. पॉवर्टी में सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, ये दो न्यू वर्ड है आपके लिए और वो क्या है वो हम देखते हैं. सोशल एक्सक्लूजन, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन देयर बेटर सराउंडिंग. सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस. ब्रॉडली it is a process through which individual or groups are excluded from facilities, benefits and opportunity that other their betters enjoy. A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunity. Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income. Social exclusion को अगर simple means में बताऊं तो ये है कि social means सामाजिक, exclusion यानी किसी को damage करना या उसको discriminate करना या उसे सामाजिक तौर पे पिछड़ा घोषित कर देना सिर्फ उसके कास्ट की वजह से या वो जहाँ रह रहा है उसके आसपास के जो लोग हैं, रहने वाले लोग, उनकी वजह से. तो सामाजिक तौर पे किसी भी पर्सन को गरीबी की तरफ धकेल देना कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन. मींस हम बात करते हैं प्रीवियस टाइम से कास्ट सिस्टम देखा जा रहा है, मींस इन हिंदू रिलीजियस वी हैव सीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य. तो अगर हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम बेस पे सोशल एक्सक्लूजन की, तो जो शूद्र है आज भी काफ़ी न्यूज़पेपर्स में हम ये देखते हैं कि कास्ट सिस्टम बेस पे लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जाता.
काफ़ी ऐसी जगहें हैं कि जहां हम ये देख रहे हैं कि आप अगर इस लोअर कास्ट के हो तो आप ये सारे चीज़ें नहीं कर सकते। आप लोअर कास्ट के हो इसलिए आपको ये परमिशन नहीं है कि आप हमारी हाई सोसाइटी हाई क्लास के लोगों की तरह मेंटेन करें अपनी लाइफस्टाइल। आप लोअर कास्ट के हो, आपको इसी तरह रहना है। तो ये होता है सोशल एक्सक्लूजन। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज सीज मेंबर ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल सच एज अ विडो और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of assessed education, health and job opportunity. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster, earthquake, tsunami, terrorism, etc. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times come for everybody, whether a flood or an earthquake or simply fall in the availability of job. Vulnerability में हम उस groups को add कर सकते हैं। Vulnerability यानी ये होता है कि आप जैसे वीडोज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, ये सब एक हेल्पलेस पर्सन के तौर पे होते हैं। इन्हें हर जगह आप नीड होती है किसी की भी हेल्प की। आज की बात करें तो सोसाइटी में हम बातें कितनी भी बड़ी कर लें, बट जो ट्रुथ है वो सामने होता है कि वीडोज की रीमैरिज हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक वीडो का फैमिली पे डिपेंड होके रहना पॉसिबल है। वल्नरेबिलिटी एक हैंडीकैप का अपनी फैमिली पे पूरी तरह से डिपेंड होना वो भी ट्रूथ है। इट्स कॉल्ड वल्नरेबिलिटी, यानी किसी भी पर्सन का किसी अदर पर्सन पे डिपेंड होना कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। एंड जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है जिससे घर तबाह हो जाते हैं अर्थक्वेक में, सुनामी में, तो वो भी पूरी तरीके से वो फैमिली भी अदर फैमिली पे डिपेंड हो जाती है, पॉवर्टी के बिल्कुल नीचे आ जाती है। तो डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन और अदर सोसाइटी, अदर सोशल ग्रुप्स कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। सिंपल। पॉवर्टी लाइन एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑन पॉवर्टी, इट्स यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। A common method used to measure poverty is based on the income consumption level. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. Poverty line means हमारा chapter है इसके आगे वाला, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि BPL और APL, ये आप लोगों ने आपके घर में राशन कार्ड देखा होगा, तो काफ़ी लोगों के पास इस तरह से आपके राशन कार्ड पे अल्फ़ाबेट लिखे होंगे और कुछ इस तरह से लिखे होंगे। तो इनका मतलब जानते हैं आप? नहीं? ओके। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके। नाउ APL अबव पॉवर्टी लाइन। क्लियर? BPL below poverty line, APL above poverty line। अब ये poverty line, ये जो system है, ये next, वो previous chapter में, sorry next chapter में था, but it is not there in your syllabus। फिर भी हम उसके बारे में कुछ discuss कर लेते हैं यहाँ पर।
A person is considered poor if his or her income consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. Means कि कोई एक ऐसा person जिसकी income इतनी कम है जो अपनी basic need को भी fulfill या पूरा नहीं कर पा रहा. ऐसा person जिसकी बेसिक नीड भी वो अपनी इनकम से पूरी नहीं कर पा रहा हो, उसकी इनकम इतनी लो है, तो वो आएगा BPL में, मींस बिलो पॉवर्टी लाइन में. और किसी पर्सन उसकी इनकम इतनी है कि वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर पा रहा है, इतनी नहीं है कि वो अपनी लाइफ को लग्जरियस स्टाइल में या बेसिक नीड से ऊपर की तौर पे ले रहा है, इतनी है कि अपनी बेसिक नीड पूरी कर रहा है बस, वो आते हैं APL में. सिंपल मीन. दफो पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस. ईच कंट्री यूज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एक्साइटिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, A person not having a car in the United States may be considered poor. In India, owning a car is still considered a luxury. ये एग्जाम्पल मैंने कल ही दिया था आपको कि अमेरिका में क्या कंसिडर्ड होता है कि अगर किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो कंसिडर्ड टू अ पुअर पर्सन. और इंडिया में अगर किसी के पास है कार है तो उस पर्सन को कहते हैं, हाँ ये जो पर्सन है फाइनली स्ट्रांग है, लग्जरी पर्सन है. While determining the poverty line in India, minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement, etc. are determined for the subsistence. The physically quantities are multiplied by their price in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on desired calorie requirement, food items such as clarets, pulse, vegetables, milk, oil, sugar, etc. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural area and 2100 calories per person per day in urban areas. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas is considered to be higher than urban area. अगर बात करें तो पॉवर्टी लाइन के जो मेजर डिसाइड हुए हैं इंडिया में वो के पर पर्सन को पर डे इतनी कैलोरी की नीड होती है. अगर इन रूरल एरिया वी हैविंग 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे एंड इन अर्बन एरिया 2100 कैलोरीज रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन एंड द स्टैटिस्टिक ऑफ 2011 एंड 12 we have seen some major factor on the calculation of statistics 2011 and 12 816 per month 816 rupees per month for the rural areas and the 1000 for the urban areas. यानी एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक और गवर्नमेंट डिसीजन इट्स कंसीडर्ड और क्लियर सेंटेंस कि 2400 कैलोरीज जरूरी है रूरल एरियाज में, क्योंकि उनके फिजिकली वर्क ज्यादा होते हैं रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज के अकॉर्डिंग. तो अर्बन एरियाज के पर्सन को 2100 कैलोरीज पर डे बहुत होती है. अगर अब हम मूव करें मनी की तरफ कि भाई कैलोरीज की तो बात हो गई, मनी किसकी कितनी हो कि हम ये समझ सकें कि वो पॉवर्टी
लाइन के नीचे है, पॉवर्टी में है, या पुअर पीपल कंसीडर कर सकते हैं। तो 2011 और 12 के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में 816 रुपए काफी होते हैं पर पर्सन को पर मंथ, नॉट पर डे, पर पर्सन पर मंथ 816 रुपीस फुलफिल देयर नीड्स और 1000 रुपीस पर मंथ पर पर्सन। यानी अगर जिसके पास 816 रुपीस हैं रूरल एरियाज में तो वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकता है। उसी तरह 1000 रुपीस है किसी के पास अर्बन एरियाज में तो वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकता है पर मंथ की। In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4,080 per month will be below the poverty line. A similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 5,000 per month to meet their basic requirement. The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years, by conducting sample survey. These survey are carried out by National Sample Survey Organization. ये सर्वे कौन कराता है? ये NSSO के थ्रू होता है। NSSO means National Sample Survey Organization, जो हर 5 years में ये सर्वे करवाती है। तो ये सर्वे 2011 और 12 के स्टैटिस्टिक्स पे बेस है। However, making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for poverty line, minimum availability of equivalent of $1 per person per day. Many developing countries जो होती हैं वो भी अपनी कंट्री में सर्वे करवाती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक उनके स्टैटिस्टिक और उनके फैक्टर ये है कि पर पर्सन को पर डे $1 रिक्वायर होते हैं उसकी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। $1, इट बिकम अ ट्रू। पॉवर्टी Poverty estimate. It is clear from the table 3.1 there is a substantial decline in poverty ratio. आपके table 3.1 दिया होगा। ये रहा poverty ratio, number of poor in millions. के which year we having rural urban areas having a poor person or poor family. It is considered. So vulnerable group, the proportion of people below poverty line, it is also not same for all social group and economic categories in India. Social group which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes households. Similarly, among the economic group, the most vulnerable groups are the rural agriculture labor household and the urban casual labor household. The following graph 3.1 show the percentage of poor people in these groups. It must be seen schedule scheduled tribes in rural India, scheduled caste, average Indian poverty ratio, एग्रीकल्चर लेबरर, कैजुअल लेबरर, ये सोशल ग्रुप्स हैं। नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100 परसेंट फ्रॉम द कैटेगरी। तो
तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये जो परसेंटेज शो हो रही है आपको, ये बता रही है कि इतनी सोशल ग्रुप हैं जिसे हम वल्नरेबल कहते हैं, यानी जो डिपेंड है अपनी पॉवर्टी की वजह से अदर पर, जिन्हें आगे नहीं, जो सोशल एक्सक्लूजन की वजह से, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो सोशल एक्सक्लूजन की वजह से वल्नरेबल हो गए, डिपेंडेंट हो गए अदर पे, तो ये इनका परसेंटेज लेवल है इन इंडिया। अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर एंड 43% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो पुअर। दी डबल डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन दी सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप ऑफ दी शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स अ सीरियसनेस ऑफ दी प्रॉब्लम। एक तो कास्ट की वजह से इनका सोशल एक्सक्लूजन होना, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लेबर का अनएम्प्लॉयमेंट होना, फैमिली का इंक्रीज होना, ये चीज़ें जो हैं ये एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है इस कास्ट में। सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब हाउसहोल्ड्स ऑल दी अदर थ्री ग्रुप्स, दैट इज शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर एंड द अर्बन कैजुअल लेबर, हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन द 1990s। तो शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़ के बाकी तीन ग्रुप जो हैं, एग्रीकल्चर लेबर वेजेस एंड शेड्यूल कास्ट, इनमें फिर भी पॉवर्टी में सुधार होता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देर आर ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। इन पुअर फैमिली ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स। वुमन ऑलरेडी ऑलरेडी पीपल एंड फीमेल इन्फेंट आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली। देयरफॉर वुमन चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इन ग्रुप में क्या देखने मिल रहा है कि ये ऐसे तो बहुत पुअर हैं, बट उसके बाद भी ये खुद ही अपनी फैमिली में जो वुमेन्स होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, और जो चाइल्ड में गर्ल चाइल्ड होती हैं, उनकी हालात जो होते हैं, उनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है खुद की फैमिली में। उन्हें बहुत डिफरेंशिएट का सामना करना पड़ता है, अनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी इनके साथ फेस होती है इन्हीं की खुद की फैमिली में, समाज में, उसकी वजह से भी ये ग्रुप बहुत पीछे हैं। स्टोरी है सिवारमन की, ये आप लोग देख लीजिएगा। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज मीन्स इंटर स्टेट यानी स्टेट के अंदर ही होने वाली डिस्पैरिटीज। पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन। द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। एवरी स्टेट में पुअर कंडीशन भी अलग है, सिस्टम भी चेंज है। ऑल दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज़ विटनेस अ सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्ली 70s। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। रिसेंट एस्टिमेट शो वाइल द ऑल इंडिया HCR वॉज दी 21.9% इन 2011-12। स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा अब ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। एंड द ग्राफ 3.2 शो दिस ग्राफ। यहाँ ये शो हो रहा है कि किस तरह पॉवर्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है 2011 और 12 के स्टैटिस्टिक के बेस पे ही हम बात कर रहे हैं, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, और ऑल इंडिया 22% पॉवर्टी रेट दी गई।
तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, बेसिस इसी के बेस पे बताया गया है सब इसमें. ग्लोबल पॉवर्टी स्कैनरियो, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन 1.25 पर डे डॉलर हैज फॉलन फ्रॉम 43% इन 1990 टू 22% इन 2008. 1.25 डॉलर पर डे जिसके पास है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आता. देर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑन ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज मार्क विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो हमें चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी का डिक्लाइन होना यानी बिल्कुल कम होते जाना उन कंट्रीज के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी. और ये डिक्लाइनेशन जो है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है वो वजह ही यही है कि कंट्री की पॉवर्टी भी डिक्लाइन होती जा रही है और उस डिक्लाइनेशन की वजह से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही. मासिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स. और क्यों हुआ? क्योंकि उन कंट्रीज ने अपना इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमंस के लिए उनके रिसोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा किया, जिस वजह से पॉवर्टी डिक्लाइन हुई. पॉवर्टी डिक्लाइन होने की वजह से जो कंट्री के सिटीजन्स थे, एक कंट्री है वहाँ पर अगर वो कंट्री की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए इन्वेस्ट करती है लाइक सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड एक्सेट्रा, एनवायरनमेंट, तो वहाँ की जो सिटीजन्स होंगे वहाँ वो एक हेल्दी सिटीजन होंगे जो फिजिकली मेंटली हर तरीके से प्रिपेयर होंगे. जब वहाँ की जिस कंट्री के सिटीजन ही हेल्थी होते हैं तो नई टेक्निक्स और वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्क करने का जो लोड है, वर्क करने का जो एक्सपीरियंस है, ये सब डबल ट्रिपल वो कंट्री को देंगे. तो कंट्री ऑब्वियसली एक जो जनरेशन आएगी एजुकेशन के तौर पर आगे बढ़ती हुई नई टेक्निक्स को लेकर आएगी, इकोनॉमिक बढ़ना पॉसिबल है उस कंट्री की. तो वो कंट्रीज क्यों आगे की तरफ मूव हुई है, इतना रैपिडली कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, क्योंकि उन कंट्रीज ने अपने ह्यूमंस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है. नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 14% इन 2008. देखो 85% थे 1981 में, 2008 तक 14% ही रह गए. साउथ एशिया कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे आते हैं साउथ एशिया में. यहाँ पे हमें रैपिड जो ग्रोथ देखना था वो नहीं देखने को मिला. डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज डिक्लाइन मार्जिनली फ्रॉम 61% इन 1981 एंड 36% इन 2001. Because of different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than a national estimate. Possible है. International poverty line means population below $1 a day. The Millennium Development Goals, the United Nations calls are reducing the proportion people living on less than $1 a day, half of 1990 level by 2015. नेशनल पॉवर्टी लाइन मीन्स के वो हर पर्सन के पास पर डे $1 होने चाहिए तो वो अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता. और जो कंट्री इस रेशियो को नहीं रखती उसका इकोनॉमिक रैपिडली ग्रोथ नहीं हो सकती. तो आज के लिए इतना ही. ये ग्राफ आप देख लीजिएगा, सिंपल ग्राफ है,
जहाँ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।